हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक तुम लोग कर चुके हो, अब करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें पहले ये फाइंड करना है रिएक्शन किस ऑर्डर की है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, अभी तुम्हें दे रखा है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, वन माइनस एन टाइम इनवर्स। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट इज 2.48 इंटू 10^-4 सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब मोल, अब ध्यान से देखो, मोल पर लीटर, यहाँ कोई मोल पर लीटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर लीटर की यूनिट क्या है इसमें, जीरो, मतलब वन माइनस एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मोल पर लीटर की कोई टर्म नहीं है के अंदर। तो एन क्या हो गया, एन इक्वल टू वन, से पता चल गया रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब इसके बाद अपन अपना काम करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। अब 8 में क्या दे रखा है, C4H8। तो देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, A होता है यहाँ इधर जीरो, T इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि जीरो पे सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट तो बाद में स्टार्ट होगा। अब टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, ए माइनस एक्स, यहाँ से कुछ एक्स निकलेगा और इधर क्या बनेगा, 2x है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन व्हाट टाइम विल द मोलर रेशियो ऑफ, हाँ देखो एक टाइम पूछा है। देखो टाइम का इक्वेशन क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग में है ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाने चाहिए दोनों के, क्वेश्चन में वो टाइम पूछा है जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाए या नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो वन हो जाए। तो अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ तुम्हें। बहुत से लोग क्या करते हैं, ए अपॉन ए माइनस एक्स को क्या कर देते हैं, वन। ये गलत है। अब देखो ए अपॉन ए माइनस एक्स वन नहीं हो सकता कभी भी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन है ना, ए माइनस एक्स क्या है, टी इक्वल टू टी पे। ये तभी जीरो हो सकता है जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई हो, समझ रहे हो। ये कब जीरो हो सकता है, ए अपॉन ए माइनस एक्स, जब एक्स इक्वल टू, एक केस हो सकता है एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का कोई मतलब नहीं बचाना फिर तो, क्योंकि फिर टाइम भी अपना जीरो ही आएगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसने क्या बोला है कि मोलर रेशियो वन हो जाए, पर ये क्या है, ये क्या है, मोलर रेशियो ये किसका है, ये सिर्फ C4H8 का है, इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स का नहीं है, ये सिर्फ रिएक्टेंट्स का है ना। तो यहाँ वन नहीं करना है, यहाँ वन नहीं करना है फर्स्ट, ठीक है। अब तो मैं, अब अपन कहाँ थे अभी तक, को ए माइनस एक्स के उस 2x। अपने को एक्चुअली करना है कि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ए माइनस एक्स अपॉन 2x इक्वल टू वन हो जाए इस रेशियो पे। तो अब तुम क्या करोगे, ए इक्वल टू 3x, एक्स इक्वल टू ए बाई 3। अब देखो इस रिएक्शन में पुट कर सकते हो तुम, x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स।
ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, लास्ट फाइनल इक्वेशन आ जाएगी के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2/3 ए। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, सॉरी यहाँ लोग ही लोग 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 3/2 ए से कैंसिल हो गया 3/2। अब आगे क्या करोगे, आगे अपने को क्या याद निकालना क्या है, टी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लोग टू लोग 3/2। अब क्या करो, के की वैल्यू पुट कर दो, लोग 3/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए तुम्हें, लोग 3/2 की वैल्यू क्या होगी, लोग 3 माइनस लोग 2, जो कि तुम्हें सबको याद रखनी है, लोग 3 और लोग 2 की वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग 3 माइनस लोग 2। अब तुम्हें मैं बता देता हूँ बेसिकली किया क्या है अपनों ने। देखो फर्स्ट स्टेप था अपने को, इसने रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर नहीं दे रखा था, तो अपने को सिर्फ के की यूनिट से पता लगाना था कि रिएक्शन ऑर्डर क्या है। तो के की यूनिट में ये देखो, यूनिट ऑफ के की यूनिट ये होती है यूनिट ऑफ के, के यूनिट ये होती है कि मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब जब इसमें देखा एन क्या होता है, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जब क्वेश्चन में देखा के की यूनिट सिर्फ थी टाइम इनवर्स, इसका मतलब क्या, मोल पर लीटर की पावर 0 हो गई होगी वहाँ, तभी तो मोल पर लीटर का कोई यूनिट नहीं आ रही थी। तो क्या किया, 1 माइनस एन को क्या किया, 0, 1 माइनस एन को 0 करने पर पता चला कि एन इक्वल टू 1 है रेट ऑफ रिएक्शन। फिर क्या किया, फिर अपने को सिंपल रूल दिखा, C4H8 गिव्स 2C2H4। तो अपन जैसे टी इक्वल टू 0 पे अगर कंसंट्रेशन ए होती है तो टी इक्वल टू टी पे ऑब्वियसली ए माइनस एक्स होगी, क्योंकि रिएक्शन होगा तो C4H8 कुछ कंज्यूम होगा और C2H4 बनेगा, तो 2x बन गया। ठीक है, फिर उसने बोला कि ए ये जो C4H8 और C2H4 का मोलर रेशियो 1 हो जाना चाहिए। तो उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया, उसके बाद मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि ए अपॉन ए माइनस एक्स 1 नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ ए अपॉन ए माइनस एक्स सिर्फ C4H8 के मोलर रेशियो की बात हो रही है, टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू टी पे। अपने को क्या करना है, ए माइनस एक्स अपॉन 2x इक्वल टू 1, है ना, इससे पता चला अपना x इक्वल टू ए बाई थ्री, एक्स इक्वल टू ए बाई थ्री पुट करते हैं, क्या किया k वैल्यू पुट कर दी, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स में। तो फिर t इक्वल टू आ गया तुम्हारा t इक्वल टू 2.303, अब फिर t की वैल्यू निकल गई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 3×10⁻⁶ मोल ऑफ एच प्लस एंड के इक्वल टू है 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर। देखो क्वेश्चन 9 में सबसे पहले तुम पता करोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके लिए के दे रखा है 10⁻⁷ मोल पर लीटर, यही है ना,
मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, अपने को क्या करना है मोल पर लीटर की, वैसे मोल पर लीटर की यूनिट क्या और के की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर में, 1 माइनस एन है ना। तो अब देखो यहाँ 1 माइनस एन की जगह क्या है, 1 मोल पर लीटर की पावर 1 है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या इक्वेशन को काम कौन सी आती है, सी टी माइनस सी नोट इक्वल टू सॉरी सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी है ना। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में दे रखा है 3 × 10⁻⁶ मोल ऑफ H2। हाँ यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, जबकि फॉर्मूले में अपनी आती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, C इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन ऊपर जाते हैं फिर, इसमें नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स 3 × 10⁻⁶ मोल ऑफ H+ और वॉल्यूम दे रखा है 0.05 ml। तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करोगे और कंसंट्रेशन निकालोगे, तो तुम्हें क्या सी नोट दे रखा है सी टी। अब देखो ये बोल रहा है जब सी टी क्या होता है एट टाइम टी। अब टी टाइम पे क्या हो, ये कंसंट्रेशन जीरो करने को बोल रखा है, तो सी टी इक्वल टू जीरो कर दो तो इक्वेशन आ गई सी नॉट इक्वल टू के टी, टी इक्वल टू सी नॉट अपॉन के, दोनों ही वैल्यू नॉन है, सी नॉट इक्वल टू है 3 × 10⁻⁶ अपॉन 0.05 × 10⁻³। 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि ये ml में था और इसको लीटर में चेंज किया है, लीटर एक ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 इक्वेशन दे रखी है A to B 0.8 0.6 एट टाइम पॉइंट एट 0.6 टी इक्वल टू 1 आवर। ए टू बी सेम रिएक्शन, इसमें क्या दे रखा है पॉइंट नाइन से पॉइंट सिक्स सेवन फाइव। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब काम अपना सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। है ना, तो अब क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो एक ही वॉल्यूम में एक ही कंटेनर में होगा, तो अगर अपन कंसंट्रेशन करेंगे कंसंट्रेशन का रेशियो भी वही आएगा जो मोल रेशियो हो गया, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखो केस 1,
ए से बी टी इक्वल टू जीरो पे था 0.8, टी इक्वल टू टी पे यहाँ बन गया 0.6। यहाँ 0.6 बन गया, पहले यहाँ जीरो था, इधर 0.6 है। इधर 0.6 क्या होता है, अपन क्या करते हैं a माइनस एक्स और x करते हैं, तो इधर क्या बचा होगा 0.8 माइनस 0.6 है ना। तो अब अपन काम करेंगे t इक्वल टू सेम फॉर्मूला 2.303 अपॉन के ln के अंदर डालेंगे ln a अपॉन 0.8 ln a अपॉन a माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या होगा 0.8 माइनस 0.6 जो कि क्या है 0.2। इससे क्या टाइम दे रखा है तुम्हें t इक्वल टू 1 आवर, तो क्या है k इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2.303 अपॉन 1 ln 4। ये क्या आ गई k की वैल्यू। अब देखो सेम रिएक्शन के अंदर दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखो k कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है एक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो दूसरे रिएक्शन में क्या करेंगे, दूसरे रिएक्शन में तुम्हें टाइम निकालना है और सेम रिएक्शन है। दूसरे केस में पूछा है कि 0.9 से 0.675। अब देखो a और b 0.9 पहले जीरो, दूसरा बार जीरो था, सेकंड t इक्वल टू t पे क्या हुआ ये 0.675 बना, तो ये बचा कितना होगा पॉइंट, यहाँ इधर कितना होगा 0.9 माइनस 0.675। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, k इक्वल टू 2.3 सॉरी k का मतलब हो तुम t लिखा लो, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू जो ऊपर वाली रिएक्शन में निकाली थी केस वन में, लोग a अपॉन a की जगह 0.9, a माइनस x की जगह 0.9 माइनस 0.675। अब देखो इस इक्वेशन में, देखो अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस इक्वेशन में क्या है k तुम्हें ऊपर मिल गया तो केस वन में निकाला, लोग a अपॉन a माइनस x ये सोल्व कर सकते हो, लोग 0.9 अपॉन 0.9 माइनस 0.675, इससे तुम्हारा t निकल जाएगा और t निकलेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन m/10, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, तो देखो क्वेश्चन 11 के अंदर ध्यान से पढ़ो, इसने क्या बुद्ध दे रखा है, m/10 थी पहले, फिर क्या हुआ कि रेक्टेंगल कंसंट्रेशन हैज बिकम हाँ देखो क्या करते हैं, a टू b होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे, तो इसमें t इक्वल टू जीरो पे उसने बताया m/10, t इक्वल टू t पे इसने बताया m/100, टाइम बताया उसने 8 मिनट 20 सेकेंड है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो k का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t ln सॉरी log ऑफ a अपॉन a माइनस x या m/10 अपॉन m/100। अब देखो तुम्हें t दे रखा है 8 मिनट 20 सेकेंड और 2. k की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है
टी हाफ दे रखा है और रेट कांस्टेंट बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू होता है, टी हाफ इक्वल टू एल एन टू अपॉन के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन टू अपॉन टी हाफ। नेक्स्ट में क्या करोगे, सॉरी नेक्स्ट में क्या करोगे, टी हाफ 1386 सेकंड, तो एल एन टू की वैल्यू रखोगे एल एन टू अपॉन 1386, ये तुम्हारा के निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, H2O2 प्लस 2Y माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स I2 प्लस 2 मोल H2O। H2O2 प्लस 2I माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स I2 प्लस 2H2O। अब देखो सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी ऑफ H2O2 अपॉन डीटी, क्योंकि मैं माइनस डी अपॉन H2O2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि H2O2 का रिएक्शन के साथ H2O2 खत्म होगा, तो डेल्टा जो H2O2 का चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने आगे नेगेटिव लगाया ताकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि हमने हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट ऑफ रिएक्शन ये, इसका नेगेटिव कभी भी नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं पढ़ा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस 4 मोल पर लीटर, वो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो इसलिए यहाँ माइनस आता है। जैसे माइनस 1/2 ये कर सकता हूँ, माइनस 1/2 डी एच प्लस अपॉन डी टी, ये सही चलता जाएगा, फिर आगे डी आई टू अपॉन डी टी, ये सब पूरी रिएक्शन के लिए मैं लिख सकता हूँ ये, है ना। तो देखो अपने को दे क्या रखा है इसमें, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दे रखा है फॉर एच प्लस, क्या दे रखा है इसके लिए डेल्टा सी क्या दे रखा है 0.10 से 1 ΔT क्या है 20 मिनट, तो ये क्या आ गई रेट ऑफ हाइड्रोजन, ये वैल्यू है डी ऑफ एच प्लस अपॉन डी टी। अब रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका 1/2 पूछा है वेलोसिटी ऑफ, ओह ठीक है द एवरेज रेट, ठीक है तो एवरेज रेट क्या होगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये होगी 1/2 इंटू, तो इक्वेशन 1 से वैल्यू आएगी डेल्टा सी अपॉन टी की,
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी करना है। डेल्टा सी दे रखा है 0.010, डेल्टा टी क्या दे रखा है, पिको सेकेंड। वन पिको सेकेंड इक्वल टू होता है 10^-12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि ए प्लस बी गिव सी। तो अपन नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, है ना, कि ए की पावर अल्फा पे डिपेंड करेगा और बी की पावर बीटा पे डिपेंड करेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, ए और बी की कंसंट्रेशन दे रखी होती है, ठीक है, और एक तरफ रेट दे रखी होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की जगह क्या है, MnO42- और H3IO62-। तो अब देखो इसके एक अल्फा और बीटा मानो वो पहले, और ए की जगह क्या दे रखा है 1.6, 3.2, 1.6, 3.2, 6.4, 1.6, ये 10^-4 में चल रहा है, सेम 10^-4, 10^-4 इंटू बी के भी यही है 3.1 और 6.2, है ना, और सेम ही है 10^-4 हर जगह। और अलग अलग रेट दे रखी है। तुम लोग क्या बनाओ, क्या करोगे, चार इक्वेशन बनाओगे, चार इक्वेशन देखो हमेशा के लिए के सेम रखना, क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो कि इसमें नहीं दे रखा है कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, है ना। हर कोई रिएक्शन के लिए के अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, इस रिएक्शन के लिए के एक ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ ए और बी की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, मतलब ये जो पूरी रिएक्शन है वो तो सेम ही है ये, है ना। तो तुम क्या करोगे, चार इक्वेशन बनाओगे, ए की वैल्यू रखोगे, ए की जगह क्या रखोगे, फर्स्ट टाइम में पहली पहली रिएक्शन में पहली इक्वेशन में क्या रखोगे, ए की वैल्यू 1.6 × 10^-4, बी की वैल्यू 3.1 × 10^-4, फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, तो तुम्हारा ये आएगा, रिएक्शन आएगी आर वन इक्वल टू समथिंग के इंटू एल्फा बीटा, आर टू इक्वल टू के सेम रहेगा अल्फा बीटा, इस तरह कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अल्फा और बीटा क्या होता है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम ऑप्शन में देख लो, जैसे ऑप्शन ए चेक किया कि के इंटू MnO4−1, मतलब MnO4−1 पे डिपेंड करती है, और H3IO6−2
कि पावर वन पे डिपेंड करती है। तो देखो ऑप्शन ए मान के सारे के सारे ऑप्शन चेक करो, जैसे इसके अंदर क्या पहले 1.6 है और ये 3.1 है, दोबारा क्या क्या 1.6 को दुगुना किया है तो उसने रेट रेट क्या कर दी, 4 गुनी। और देखो ऑप्शन ए तो सेट नहीं हो रहा है क्योंकि के एम एन ओ फोर की पावर वन पे डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ दुगुनी होनी चाहिए थी पर ये 4 गुनी है, तो ये नहीं हो सकता ए। उसी प्रकार बी चेक कर सकते हो, उसी प्रकार सी चेक कर सकते हो, नहीं तो अपना कॉमन मेथड तो ये है ही। ये 4 केस बनाना उसके, और फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 में क्या है कि के नॉट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आते हैं सबसे पहले क्या करोगे, सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू के टी है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, के इक्वल टू के इक्वल टू 3 × 10⁻²। सी टी इक्वल टू 0.5, टी इक्वल टू 20। तो क्या इक्वेशन में पुट करोगे सी टी टी और के, तो अब तुम्हें सी नोट मिल जाएगा और वही निकालना है अपने को इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब जैसे देखो सी टी की जगह क्या रखोगे 0.5, सॉरी सॉरी यहाँ सी नोट माइनस सी टी होता है ना, तो क्या करोगे सी नोट माइनस सी टी 0.5 इक्वल टू के क्या है 3 × 10⁻²² × 20, तुम्हारी आ जाएगी सी नोट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन 10% ऑफ रिएक्टेंट्स डिकम्पोजेज इन 1 आवर, 20% इन 2 आवर एंड 30% इन 3 आवर, द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विल बी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है तुम्हें, निकालना क्या है रेट कॉन्स्टेंट, और रेट कॉन्स्टेंट के लिए उसने क्या नहीं दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से कोई ढंग से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि तब पता ही नहीं अपने को रेट कांस्टेंट की, सॉरी ऑर्डर ऑफ रेट क्या है। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले ये क्या हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले जीरो ऑर्डर के लिए ट्राई करोगे, उसमें क्या होता है सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हुआ k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट इक्वल टू क्या होता है के टी, है ना, ये है सेकंड ऑर्डर। तो ये तीनों ट्राई करोगे, इस तीनों में देखो फर्स्ट फर्स्ट में क्या करोगे अलग अलग केस बना के, अगर फर्स्ट ऑर्डर ये जीरो ऑर्डर आया तो तुम लोग क्या करोगे के की, इसने क्या दे रखा है, हाँ के की यूनिट पूछी, तो यूनिट क्या होती है के की, यूनिट क्या होती है मोल, के की यूनिट ऑफ के इक्वल टू होता है, जिसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यूनिट यूनिट ऑफ के इक्वल टू होता है मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम,
ये टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है। तो देखो अगर वन जीरो ऑर्डर को, जीरो ऑर्डर में के की वैल्यू, अगर जीरो ऑर्डर तुम्हें लगे कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस एन इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी एन इक्वल टू क्या पुट करोगे, जीरो अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो वन, सेकेंड ऑर्डर के लिए तो टू, है ना। तो अब देखो फर्स्ट, पहले मैं जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हें ट्राई मारना स्टार्ट करवा देता हूँ, फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तुम खुद से ट्राई करोगे। जीरो ऑर्डर इसके लिए होगा सी नोट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, इसमें क्या दे रखा है, पहले 10% के लिए, सॉरी क्वेश्चन 10% 10 20, टेन परसेंट के टाइम क्या होता है, केस वन, देखो ब्लैक कर लेता हूँ, वन में क्या करता है 10% टाइम के वन आवर। तो तुम इक्वेशन क्या लिखो, सी नॉट माइनस सी टी की वैल्यू क्या होगी, अब देखो तुम्हें लगा कि मैंने 0.9 सी क्यों किया, क्योंकि 10% कंज्यूम हो गया, सी टी क्या होती है, एट टाइम टी टी पर कंसंट्रेशन होती है, तो 10% कंज्यूम हो गया तो क्या बचा, 0.9 सी, मतलब अगर सी नोट था वन था, वन में से 0.9 बचा, या अगर सी नोट था तो सी नोट में से कितना बचा, 0.9 सी नोट। अब तुम क्या करोगे, 0.1 सी नोट अपॉन के की वैल्यू क्या, टी की वैल्यू क्या थी, वन इक्वल टू के, के इक्वल टू आ गया 0.1 सी नोट। सेकंड में क्या करोगे, इसमें दे रखा 20%, 20% के लिए क्या करोगे, सी नोट माइनस 0.8 सी नोट इक्वल टू के टी, वापस से के निकाला, के आया 0.1 सी नोट। थर्ड केस में क्या है, 30%, इसके लिए क्या करोगे, सी नोट माइनस 0.7 सी नोट इक्वल टू के टी, के की वैल्यू आई 0.1 सी नोट। अब देखो तीनों रिएक्शन के अंदर के की वैल्यू आई सेम आ रही है, 0.1 सी नोट 0.1 सी नोट 0.1 सी नोट। अब पहले अपने ने यूज़ किया था कि एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब सेम के की वैल्यू है तो ये रिएक्शन एक ही है, और वो रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में अपना सक्सेस हो गया, तो के की वैल्यू, के की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन क्या है, जीरो इंटू टाइम, जो ऑप्शन मैच करे वही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एटीन में क्या है, 20% कंप्लीट हो रही है और टाइम दे रखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 20% कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन में क्या है कि 20% कंप्लीट इन 10 मिनट। देखो रिएक्शन टी इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, अगर ए से बी में मैं रिएक्शन बनाऊँ, टी इक्वल टू जीरो पे ए होता है ए, बी होता है जीरो, टी इक्वल टू टी पे ए होता है ए माइनस एक्स, बी होता है एक्स, है ना। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, 20% कंप्लीट हो गई, मतलब जो ए था ए का 20% पार्ट
बी में कन्वर्ट हो गया, या ये बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू पॉइंट टू ए। फॉर एग्जाम्पल ए 10 था, तो टी इक्वल टू टाइम टी पे क्या होगा, 20% कंज्यूम हो गया, मतलब अब बचा 8, मतलब एक्स हो गया 2। वैसे अगर ए ए था, स्मॉल ए था, तो अपना पॉइंट टू ए कन्वर्ट हो गया बी में, तो ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट एट ए। अब देखो वापस फॉर्मूले में जाओ, के की वैल्यू पुट करो, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी क्या है, 10 मिनट्स। तो क्या के की टी की वैल्यू पुट कर दी अपॉन लॉग, लॉग में क्या लगा ए, ए क्या है, ए को ए ही रहने दो, ए माइनस एक्स क्या है तुम्हारा, पॉइंट एट ए, ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से के निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू गो टू 75% कम। अब देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट से क्या आ गया, तुम्हारा के निकल गया, के सेम एक रिएक्शन के लिए सेम रहेगा, के की वैल्यू ऊपर वाली पुट की, अब निकालना है टी, टी की वैल्यू, टी की देखें 2.303 के की वैल्यू जो ऊपर वाली रिएक्शन में अपने को निकाली है अपॉन लॉग। अब बोल रहा है 75% कंज्यूम का, तो 75% में क्या होगा, ए होगा, और ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25 ए। अब देखो 0.25 ए कैसे हुई मैं तुम्हें बताता हूँ, ए माइनस एक्स और फिर होता है एक्स, ये बोल रहा है 75% कंज्यूम हो गई, मतलब एक्स है ना जो ए से बी रिएक्शन होती है, ए 75% कंज्यूम हो गया, मतलब एक्स इक्वल टू है अपना 0.75 ए, है ना, तो ए माइनस एक्स क्या होगा 0.25 ए, यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टी 0.5 अपॉन टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए टी ऑफ पॉइंट क्या, ऊपर 0.5 है ना, टी 0.5 अपॉन टी 0.25। देखो ऊपर लिखूंगा के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, नीचे क्या लिखूंगा, के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स डैश, क्योंकि देखो के तो सेम वैल्यू होगी के की, तो क्योंकि एक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम रहती है, तो दोनों जगह के हो गया, फिर लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए मैं इनिशियल कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल सेम ले रहा हूँ, तो अब देखो टी 0.5 का मतलब है 50% कन्वर्जेशन, टी 0.25 का मतलब है 25%, तो ए माइनस की, ए माइनस एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो ऊपर वाले टी 0.5 वाले के अंदर ए माइनस एक्स इक्वल टू होगा 25% कंज्यूम हो जाता, तो रहता कितना है 0.75 ए। सेम ही ए माइनस एक्स डैश की वैल्यू होगी, सॉरी ऊपर लिख दिया, ए माइनस एक्स डैश की वैल्यू होगी 0.75 ए, और ए माइनस एक्स की वैल्यू होगी 0.25 ए। ए माइनस एक्स इक्वल टू 0.25 ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी अपन सेम चीज करेंगे, बस उसमें डिफरेंस क्या आएगी, 60% और 20% दे रखा है, टी वन रेशियो टी टू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, के लॉग ऑफ
ए अपॉन ए माइनस एक्स एक बार के लिए, अपॉन नीचे क्या करूँगा के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स डैश। अब देखो यहाँ मैं 2.303 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 2.303 अपने आप कट जाएगा, है ना, कट तो बाद में के भी जाएगा, के से के कैंसिल कर सकते हैं अपन। अब देखो ऊपर वाले a माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये क्या ऊपर में क्या है 60, केस वन में 6 60% कन्वर्ज हो रही है, तो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा a माइनस 0.6 a इक्वल टू हो जाएगा 0.4 a, और a माइनस एक्स डैश क्या हो जाएगा a माइनस 20% है ना, ये 20% कन्वर्जेशन, तो क्या बचा क्या पॉइंट टू ए, तो बचा क्या 0.8 a। तो इन दोनों में a माइनस एक्स की वैल्यू पुट करोगे इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में, और t1 और t2 मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन 21, इसमें क्या दे रखा है, जैसे ए से बी है तो अपन स्टार्टिंग में ए 0 ए माइनस एक्स एक्स, तो इसने बोला 30, अपने को टाइम डिफरेंस दे रखा है 33% से 67%। अब देखो अपन 33% की कंडीशन निकालेंगे पहले, 33% की जगह 33% में क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0.67 a, और x क्या हो जाएगा 0.33 a, है ना। अब देखो 67% के अंदर क्या हो जाएगा 0.67 a, तो अपन देख यहाँ पर 67% कन्वर्जन होना है। अब देखो 67% कन्वर्जन होना है तो यहाँ क्या बचेगा 0.33 और इधर आ जाएगा 0.67। अब ध्यान से देखना, अपने को जो टी दे रखा है टाइम, वो दे रखा है इस स्टेप से इस स्टेप तक लाने, मतलब 33% से 67% लाने के लिए टी इक्वल टू दे रखा है अपना 30 मिनट्स। तो अपन क्या करेंगे, अब रिएक्शन इक्वेशन क्या लिखते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए की जगह क्या लिखेंगे 0.67 ए, ए माइनस एक्स की जगह 0.33 ए। देखो 0.67 ए क्यों लिखा, क्योंकि अपने को टाइम डिफरेंस दे रखा है वो 30 मिनट्स, 33% से 67% लाने के लिए, उसके लिए इनिशियल कंसिडरेशन ये काम में आएगी, और सेकेंड इनिशियल कंसिडरेशन ए होती है जो ऊपर लिखते हैं अपन यहाँ, ठीक है, उसके अपॉन होता है ए माइनस एक्स ए टाइम टी पर कंसिडरेशन,
तो अपने को टाइम दे रखा है 0.33, इसकी जगह 0.33 ए, है ना। यहाँ से निकल गया के की वैल्यू, हेलो, तो अपना क्या हुआ, के की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द टाइम नीड फॉर 25% कंप्लीटेशन। 25% के लिए क्या करोगे, अब के की वैल्यू तो तुम्हारी आ गई, अपने को टी निकालना है। टी इक्वल टू क्या होगा, 2.303 और के जो ऊपर अभी निकाला है, अपॉन लॉग ए अपॉन 0.75 ए, है ना। 25% कन्वर्जेशन होगा तो ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0.75 ए, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या हो गया था, 0.25 ए। तो यहाँ से तुम टी की वैल्यू निकाल सकते हो। ट्वेंटी थर्ड, इसमें क्या दे रखा है, टी दो अलग अलग रिएक्शन के लिए, टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू दे रखा है, 3:2। अब देखो टी हाफ के फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ln 2 by k। तो अगर टी हाफ ln 2 by k, ln 2 क्या है, कांस्टेंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये हो सकता है के टू अपॉन के वन, क्योंकि टी हाफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के। तो ये अपना फाइनली आ गया के टू अपॉन के वन इक्वल टू 3/2, इसे मैं इक्वेशन वन देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है अपने को, टी वन रेशियो टी टू निकालना है 25% और 75% कन्वर्जन में। टी वन टी टू, अब टी वन के लिए क्या करूँगा, 2.303 अपॉन के वन लॉग, ठीक है, 25%। 25% के लिए क्या करते हैं, a अपॉन 0.75 a अपॉन, टी टू के लिए क्या करूँगा, 2.303 अपॉन के टू लॉग a अपॉन, ठीक है, 75% है ना, a अपॉन 0.25 a। तो अब क्या करोगे, इधर क्या हो जाएगी, सारे के सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, ये लॉग की सारी वैल्यू आने के बाद तुम्हारा रहेगा k2 अपॉन k1, जो कि ऊपर दे रखा है इक्वेशन वन में, और कुछ कांस्टेंट ही आ जाएंगे। तो t1 और t2 की फाइनली आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में क्या करना है अपने को, दो इक्वेशन बनने हैं टी वन और टी टू में। टी वन इक्वल टू क्या करना है, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, टी टू 2.303 अपॉन, सेम रिएक्शन है, सेम सॉल्यूशन है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, सारी की सारी सेम, के दोनों में सेम रहेगा। अब जो चेंज होने वाला पार्ट है वो है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, देखो टी वन के लिए, फॉर टी वन ए इक्वल टू है 1m और ए माइनस एक्स इक्वल टू 0.25 m, फॉर टी टू के लिए इक्वल टू
पॉइंट सिक्स, और ए माइनस एक्स इक्वल टू हो गए होगा 0.6 m, और a माइनस एक्स इक्वल टू 0.3 m। अब देखो तुम्हारा इधर वाला पार्ट, इक्वेशन के इधर वाला पार्ट सारा सॉल्व हो गया, क्योंकि इधर k के सारे कांस्टेंट है। a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस, दोनों रिएक्शन के लिए अलग अलग से निकाल दिया नीचे। अब t1 क्या है, t1 की जगह तुम 8 पुट करोगे, 8 और t2 तुम्हें निकालना है, तो t2 इस इक्वेशन से निकल जाएगा।